नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो स्लिम फिगर की चाह में कंकाल हो गई। अगर फिगर मेंटेन करने की चाह आपको भी परेशान करती है, तो इसी चक्कर में आपने खाना पीना छोड़कर बैठा है, तो ये खबर आपके लिए ही है। न्यूयॉर्क की स्टेफनी रोड्स को दुबला होने की चाहत ने ऐसा घेरा कि उन्होंने अपना शरीर ही खराब कर लिया। 13 साल की उम्र में दुबले दिखने के लिए स्टेफनी ने नाश्ता और दोपहर का भोजन बंद कर दिया था। इससे वजन भी कम हुआ। पहले पहले लोगों ने खूब तारीफ भी की, जिसके चलते स्टेफनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, परंतु 17 साल की उम्र तक उन्हें एनोरेक्सिया बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते उन्हें खाने से डर लगने लगा। ऐसे में उनका वजन तेजी से गिरता गया और वे बाद में बीमार दिखने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। रोड्स बताती है कि बीमारी के चलते वो अक्सर हॉस्पिटल में रहती थी। डॉक्टरों के दबाव के चलते वहाँ तो खाना खा लेती थी, लेकिन घर आते ही फिर खाने का डर सताता था और ऐसे में दोबारा भर्ती होना पड़ता था। वे बताती है कि बीमारी की वजह से उन्हें एंग्जायटी अटैक आता था, जिसके चलते कुछ भी खाएंगे तो मोटी हो जाएंगे ऐसा उन्हें महसूस होता था। खाना छोड़ते ही उन्हें बेहतर लगता था। स्टेफनी रोड्स अभी अमेरिका के मैसाचुसेट्स के रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रही है, जहाँ उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।